भीलवाड़ा के बनेड़ा में देर रात विवाद हो गया। बनेड़ा के बबराणा ग्राम पंचायत उपचुनाव परिणामों के बाद ये विवाद देखने को मिला। गोपालपुरा गांव में विजेता सरपंच समर्थकों और पराजित उम्मीदवार के समर्थकों में मारपीट की भी खबर मिली। महिलाओं से अभद्रता के बाद विवाद बढ़ा, पथराव की भी सूचना मिल रही है। आक्रोशित ग्रामीण नाराजगी जताने अब थाने पर पहुंचे हैं, लेकिन नाराजगी जताई जा रही है, गुस्सा है, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, पत्थरबाजी की खबर भी मिली। लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन ने कितना हस्तक्षेप किया, क्या एक्शन लिया, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि थाने पर पहुंचे ग्रामीण नाराजगी जताने के लिए, उसके बाद क्या कुछ रहा ये अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बनेड़ा में देर रात विवाद की खबर मिली, महिलाओं से अभद्रता की गई, उसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ता गया। नवीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। नवीन, एक बार फिर से विस्तार से पूरे मामले को बताइएगा और अपडेट बताइएगा कि पुलिस प्रशासन ने इसमें क्या हस्तक्षेप किया है। देखिए पूनम, ये पूरा जो मामला है बनेड़ा उपखंड के बबराणा पंचायत का मामला है, और रात को इसमें देर रात को जो मतगणना जो सरपंच चुनी गई वो सीता देवी जाट चुनी गई, और निकटतम प्रतिद्वंदी जो थी नानू देवी गाठरी, उनको उन्होंने 220 के आसपास वोटों से पराजित किया। और इस रिजल्ट आने के बाद में जो विजेता सरपंच है उनके समर्थकों द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था। इस बीच जुलूस जब एक गांव के अंदर पहुंचता है बीच, तो वहां पर सामने जो पराजित पक्ष है उसके कुछ समर्थक आमने सामने हो जाते हैं। दोनों पक्षों में जमकर वहां पर जो जिसको कह सकते हैं कि बहसबाजी और हाथापाई की नौबत आ गई थी। इस बीच कुछ लोगों ने वहां पर जो वाहन खड़े हुए थे उनमें तोड़फोड़ कर दी। इस तोड़फोड़ को देखने के बाद में वहां पर तनाव व्याप्त हो गया, और कुछ ही देर बाद में वहां के बड़े बुजुर्गों ने जो थे उन्हें बीच बचाव कर वहां से एक बार लोगों को हटा दिया। मगर दोनों पक्ष एक बार फिर वापस वहां पर बीच देर रात को बनेड़ा थाने के बाहर पहुंच गए। बनेड़ा थाने के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस के आला अधिकारी जो थे मौके पहुंचे, उन्होंने दोनों पक्ष को समझाइश करते हुए दोनों से उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर इस मामले को शांत कराने का प्रयास किया। और अभी तो इस मामले को लेकर जिस तरह से बात सामने आ रही है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर इस पूरे मामले को निपटाने में लगे हुए हैं। जी, जिस तरह से जो बबराणा पंचायत है ये एक राजनीतिक रूप से जो काफी सक्रिय लोगों वाली पंचायत है, तो इस वजह से यहाँ पे छोटी मोटी गहमा गहमी की इसकी जानकारी पुलिस को प्रशासन को शुरू से थी, कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से कसमगत सुबह से चल रही थी मतगणना हुई थी शुरू, उसी समय से कसमगत नवीन, लेकिन एक बार तो मामला शांत करा लिया गया है, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि जैसे आपने कहा इस तरह की घटनाएं होती रहती है, इस पर आगे क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा या फिर गंभीरता से सोचेगा, क्योंकि गंभीर विषय है, इस पर भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया नवीन अपडेट के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।